हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अजय गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरा सबसे पहले एपिसोड में, यानी क्रिकेट 22 करियर मोड के एपिसोड में। यस, तो फर्स्ट एपिसोड आज हम खेलने वाले हैं क्रिकेट 22 में से करियर मोड के एपिसोड, और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और फिलहाल कोई भी दूसरी टीम इसमें ऐड नहीं है। लेकिन वापस हम, जैसे आपको पता है कि पहले भी मैं लास्ट टाइम जब शुरुआत की थी तो वैसे बिल्कुल स्क्रैच से की थी, एकदम बिल्कुल लोकल क्लब से हमने शुरुआत की थी, और अब यहाँ पे वैसा ही करने वाले हैं। फिलहाल हम एकदम डाउन, मतलब जितनी ज़्यादा से स्टेट वाली टीम में जाएंगे और स्टेट में से और उनकी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम्स होती हैं वहाँ पे जाएंगे और फिर हम जो है शुरुआत करने वाले हैं, तो जैसे कि हमारा यूजली रहता है वैसे करने वाले हैं। तो लेकिन इस बार जो है करियर मोड में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। भाई साहब फोन कॉल हो रही है, हम क्लब के बाहर बैठे हैं, किससे बात हो रही है, आई डोंट नो मैनेजर या कौन है भाई सेटलमेंट करवाने वाला, जिस बंदे से बात हो रही है। तो फिलहाल तो इसमें थोड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको एडिट करनी है, जैसे कि हम कर रहे हैं बैटर है जो भी है सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे कि आपको पता है हम मोस्टली जो करियर मोड के एपिसोड करते हैं वो एज अ बैट्समैन करते हैं, लेकिन इस बार मैंने स्पिन का भी ऑप्शन रखा है। अगर हम ऐसे कुछ सेलेक्ट होते हैं जहाँ पे हमको चांस मिलते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई कि गेंदबाजी भी कर लो, तो वैसा हम कुछ करने के लिए यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने वीडियो देखे नहीं इसके पहले क्रिकेट 22 के हमारे, तो आप देख सकते हो और फटाफट जो है सब्सक्राइब भी मार सकते हो, कमेंट करना तो बिल्कुल बनता है। तो यहाँ से मैं रैंडम टीमें पिक कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने हिमाचल ली थी, उस बार हिमाचल लेने वाला हूँ। और ओ भाई, इसमें तो आगे डिस्ट्रिक्ट भी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रैंडम ले लूंगा, मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है क्या है, तो मैं कोई भी एक जो हमारे मन में आएंगी वो वाली उठा लेंगे हम। तो चलो हम किसको उठाएं, चलो इसी को उठा लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से क्या होने वाला है। तो फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी न्यू चीज़ें बोलते हैं इंक्लूड की है, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या क्या इंक्लूड किया, वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा जैसे जैसे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या क्या नई चीज़ें जो यहाँ पे ऐड ऑन की है। ओके जी, चलो अब यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी सेटिंग वेटिंग करनी है। तो इस बार जो है मैं थोड़ा सा इसको भाई एकदम यंग शंगल लौंडा बनाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम यंग। लास्ट टाइम थोड़ा बियर्ड वाला बंदा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करने वाला, इस बार थोड़ा यंग बना के रखूँगा और ट्राई करूँगा उसको। बियर्ड जब आएगी तो थोड़ा टाइम लगाएगा, जब तक बंदा मतलब कहीं पहुँच ना जाए, मतलब किसी लेवल पे ना पहुँच जाए और कुछ कर ना दे अच्छे, तब भाई बियर्ड स्टाइल वेयर करवाएंगे इसके अच्छे से, तब देखी जाएगी। तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी फीफा से जैसे इंक्लूड हुई हैं, लेकिन फीफा जैसे ग्राफिक्स नहीं है, मतलब फीफा जैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी चीज़ें ऐसे लगती है कि इंक्लूड करी हुई इन्होंने जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब उसकी तरह से देख सकते हो, लेकिन सारी की सारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो हेयर स्टाइल फिलहाल तो मैं कुछ भी ऐसे देखने वाला नहीं हूँ कुछ खास हेयर स्टाइल, सब नॉर्मल रखने वाला, एकदम बंदे को ऐसा यंगस्टर रहता है और ऐसा यंगस्टर जो बेचारा ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कैसे ना कैसे करके टीम में घुस जाए हम भाई और कुछ कमाल धमाल कर दे, तो वैसा वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ और करेंगे, लेकिन थोड़े से स्टाइल वाइल भी हम कर सकते हैं भाई, सब स्टाइल वाइल रख लेंगे। टैटू का भी ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। अगर आपको लगता है कभी भाई चेंज करना है या कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके भाई, बहुत सारे शूज वूज भी देख लेते हैं, शूज है, बैट है। ओके ओके, लेफ्ट हैंडेड तो नहीं है। देखो टैटू, मैंने कहा था आपको टैटू वाले भी ऑप्शन के, टैटू में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करने वाला हूँ। वैसे तो भाई टैटू बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के कि भाई साहब टैटू वैटू का क्या सीन है, रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। लेकिन वैसे तो मैंने सोचा कि कोई मतलब है नहीं रख के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब तुम यंगस्टर हो, तुम टीम में एंट्री ढूंढ रहे हो और एकदम तुम टैटू वैटू रख रहे हो यार, कुछ खराब हो जाएगा। शूज वूज तो हमने सेट कर लिए हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सेट करना है, तो उसको जल्दी सेटअप कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे हमको हमारे मैनेजर या जो भी डील की विल करवा रहा है उससे बात करनी है। मैंने कभी अच्छे से पढ़ा नहीं कौन था भाई। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके जी बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? तो ये हमको पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से पर्क जो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं पर्क भी बहुत सारी ऐड कर दूंगा क्रिकेट के हिसाब से। लास्ट टाइम क्रिकेट 19 जब हम खेले थे तो उसमें पर्क्स के जो ऑप्शन थे ना वो लिमिटेड थे, लिमिटेड इन द सेंस कि जैसे जैसे आपके स्किल बढ़ते थे वैसे वैसे आपको पर्क मिलती थी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल वो पर्क नहीं है जो क्रिकेट 19 में थे, जैसे कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिखी हैं। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, आई डोंट नो। तो चलो भाई साहब, इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे हो चुका है और फाइनली मैच की तरफ हम आएंगे ऐसा मुझे लगता है, और बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो खन्ना और बिलासपुर के बीच में ये मैच है और जिसके हम ओपनर हैं, तो ये फर्स्ट मैच होने वाला है हमारे करियर मोड के एपिसोड का, और आई होप सो मैच अच्छा जाए। ऐसा कभी वैसे तो हुआ नहीं कि बहुत अच्छा जाए, लेकिन ट्राई करेंगे अच्छा जाए, क्योंकि बिगिनर एकदम प्लेयर रहते हैं और
बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है शॉट सेलेक्शन करने में भी और शॉट्स लगाने में भी और शॉट पावर इंक्लूड करने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन ये सारी दिक्कतों को ही पार करके जो हम फाइनली टीम इंडिया में पहुंचेंगे, तो जर्नी टू टीम इंडिया जो हमने शुरू कर दी है, सो ही वी गो। हमारी शायद बैटिंग आ गई है तो हम बैटिंग करना चाहेंगे पहले, और बैटिंग करके भाई साहब देखना चाहेंगे हम कितनी अच्छी बैटिंग यहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। फर्स्ट बॉल दिस करियर मोड, और क्या बात है, पहली बॉल हमने पैड पे खा ली और कुछ भी फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, चलता है भाई साहब, इतना तो चलता है। ओके बहुत बढ़िया, किट विट तो ठीक लग रही है भाई मेरे को। ओके नेक्स्ट बॉल, बाहर की तरफ गेंद थी, कट किया गैप में और पहला रन चुरा लिया। क्या मतलब पहला ही रन हमने डाइव मार के लिया, मतलब सोचो तुम डाइव मार रहे हो पहले ही रन में। छोटी गेंद थी, पुल कर दिया हमने, कुछ अजीब सा पुल लगाया था, हमने ट्राई करी थी जैसे हम पुल हमेशा खेलते हैं वैसे ही लगाने के लिए, थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप का पुल मुझे दिखा लेकिन फिर भी हमको पसंद आया। ओहो क्या बात है, स्काई स्पोर्ट्स वाली फील आ रही है मुझे, स्काई स्पोर्ट्स जब आप मैचेस देखते हैं तो वहां पे ऐसा दिखता है। ओके नेक्स्ट बॉल, फिर से थोड़ी सी मुझे लगता है बैक फुट पे जाके खेल सकते थे हम, लेकिन फ्रंट फुट पे ही जाके कट मारने की ट्राई की हमने, जो काफी खराब बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ओवर थ्रो के रन नहीं जा रहे, मतलब लास्ट ओवर विकेट 19 थ्रो किया तो गया। फुल टॉस गेंद और हवाई फायर, क्या ये कैच है? नहीं भाई, जिसे सबसे खड़ा है स्टांस में लग रहा है कि बिल्कुल बाहर गई गेंद, वहां पर रुकने लगी है। तो ये गेंद गई सीधे चार रन के लिए, फर्स्ट बाउंड्री मुझे लग गया, नहीं फर्स्ट नहीं भाई, एक बाउंड्री मैंने लगा दी पहले, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट था और काफ़ी ऊपर थी गेंद और ऊपर से आने के बाद हमने भैया बड़े अच्छे तरीके से इसको फुल टॉस बना के जो है बाउंड्री की तरफ भेज दिया है। नेक्स्ट बॉल, छोटी गेंद वापस पुल कर दिया, लेकिन इस बार भी पुल सही लगाए क्या? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, दो ही मिलेंगे, चार तो नहीं मिलेंगे लेकिन दो मिल जाएंगे। तो इस बार अभी फिलहाल मैंने कैमरा एंगल भी सेट नहीं किए, कुछ एक अलग अलग कैमरा एंगल से मैं जो है आपको बैटिंग दिखा रहा हूँ या नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कौन सा कैमरा एंगल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जिसके साथ हम खेल सकते हैं, क्योंकि रनिंग कैमरा एंगल अभी तक मैंने शायद वही रखा है जो हम मोस्टली यूज़ नहीं करता था, मैं ये वाला कैमरा एंगल, मेरा कैमरा एंगल मोस्टली ब्रॉडकास्ट वाला रहता था, लेकिन अब ये वाला आपको कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव करने की ट्राई कर रहे हैं, लग तो रहा है लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद है तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। ओके मात्र 11 रन बनाए हमने अभी तक। ये गेंद थोड़ी सी ऊपर थी और हवाई फायर करने की ट्राई थी, लेकिन हवाई फायर तो नहीं हुआ, गेंद रही नीचे से लेकिन कवर्स के बीच में जो जगह बची थी थोड़ी सी, वहां से गेंद निकल गई सीधे चार रन के लिए, यानी कि लॉन्ग ऑफ और कवर्स के बीच से गेंद गई है, और बहुत ही बढ़िया शॉट और काफी अच्छा देखने में पसंद आया, हमको ऐसे शॉट की जरूरत थी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बॉल, और फिर से थोड़ी ऊपर गेंद थी, वापस ड्राइव किया हमने, लेकिन डीप में पीछे फील्डर मौजूद है तो मुझे लगता सिर्फ एक ही रन मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, एक भी मिले तो हमको फर्क नहीं पड़ता, उससे रन मिलते रहने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट भाई साहब। बहुत बढ़िया, तो पार्टनरशिप भी कर ली हमने अच्छी खासी, 50 की तो बहुत अच्छे, मतलब खुद के 50 में तो क्या हो, पार्टनरशिप तो कर ली हमने। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से मारने की ट्राई की थी, लेकिन इसका सीधा मिलता था फील्डर के हाथ में, और क्या बात है भाई, फील्डर ने छोड़ दिया बॉल। ये जो झपटने मार रहे ना, ये झपट जो रहे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो अच्छा है भाई, तुम कितने ज्यादा कैच छोड़ोगे मेरे लिए तो उतना अच्छा है, लेकिन ये झपटते क्यों भाई गेंद की, समझ में नहीं आता। ये देखो बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आराम से गेंद, चोटी वाले बाबा ने गेंद छोड़ दी लग रहा मुझे। ओके बाहर की तरफ शॉट खेला और काफी खराब शॉट खेला, सीधा कवर्स के फील्डर के हाथ में, ट्राई की थी हमने कि भाई साहब ऊपर से गेंद निकल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, तो चोटी वाले बाबा जिसने कैच छोड़ा था उसके बाद भाई ये बंदे ने जो है बॉल फेंक दी एक बहुत बढ़िया जोन में, और देखो हमने ड्राइव करने की ट्राई की थी लेकिन कुछ खराब ट्राई थी यार, अगर 30 yard के ऊपर या कवर्स के ऊपर से मारा थोड़ी सी और लिफ्ट करने की जरूरत थी, और हमने मुझे लगता कि बैक फुट पे जो गेंद खेलनी चाहिए थी उसको फ्रंट फुट पे खेल लिया। तो पहला मैच में हमारा परफॉर्मेंस तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन ठीक ठीक था, 22 स्कोर किए हमने, नॉट मतलब उतना भी ख़राब नहीं था यार, 22 तो बनते हैं। ओके तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की हुई हैं, जैसे कि फील्डिंग में कितने स्किल पॉइंट मिल रहे हैं, कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। ओके मतलब ये हर बार आगे अपडेट लगा भाई हमसे, वेल प्लेड, इट्स नॉट एन ईजी द फर्स्ट मैच एंड यू आर मोड, मतलब पहला मैच इतना खराब नहीं जा रहा, अच्छा खेला है तुमने, ऐसी बात नहीं। तो इस बंदे से भी ठीक है भाई, मुझे हर बार आगे मोटिवेट कर रहा, लेकिन आगे देखना है कि मोटिवेशन कुछ फ़ायदा होने लगा या नहीं। तो एक और मैच जो है हम यहाँ पे खेलने वाले, और जो नेक्स्ट मैच होने वाला है ये भी कोई लोकल ही मैच है, मतलब फिलहाल तो लोकल ही खेलने पड़ेंगे भाई सारे जितने भी हैं, तो इस मैच के में भी देखना है हमको कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं, हम कुछ अच्छी इनिंग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो कौन सी टीम है? सोपोर, ये सोपोर कौन सी टीम है भाई, मुझे समझ नहीं आया। ओके क्लब 50 ओवर का मैचेस हैं, और आई होप सो आज के मैच में, मतलब एटलीस्ट सेकंड मैच में कल 50 ढूंढ ले भाई। मेरा कप्तान हर बार क्यों चेंज हो रहा है, और अभी कोई चोटी वाली, मुझे लगता है लड़की बनाते बनाते लड़का बना दिया भाई बंदे को।
ओके इन्होंने टॉस जीत लिया। देखो मतलब काफी सारा साइड में से फील आ रहा है, लड़की खाली बेचारे को नीचे बाल आ गए हैं, तुमको क्या लग रहा है? वैसे ही लग रहा है। ओके इन्होंने भाई बॉलिंग चूज कर ली, तो एट लास्ट हमको फिर से बैटिंग करने का मौका मिलेगा, तो हम ट्राई करेंगे अब यहाँ से थोड़ी अच्छी इनिंग बिल्ड करने की और थोड़े गुड स्कोर करने की। पहली गेंद थी और क्या तेज तरार शॉट लगाए यहाँ पे, और गेंद जाएंगी सीधे लॉन की तरफ से चार रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट और शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। और चश्मे वाले अंपायर ने भी दे दिए चार रन की विकेट, जाओ जाओ और जीरो अपनी जिंदगी। तो यहाँ से चार रन मिल गया हमको, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया तो नहीं था लेकिन ठीक ठीक था, मतलब स्टार्टिंग के लेवल में तो ठीक ही शॉट है भाई, इतने बढ़िया नहीं है तो क्या कह सकते हैं, मतलब फिर भी हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बॉल और इस बार पुल कर दिया और ये पुल भी गया गैप में, क्या बात है। और एक और बाउंड्री, बैक टू बाउंड्रीज लगा दी अपने, मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते जा रहे हैं हम इस टीम के लिए, ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को भाई? इतना भी हवा नहीं भी उड़ते, पता नहीं थोड़ी देर क्या होने वाला, लेकिन बढ़िया शॉट था, मतलब अजीब सा ही शॉट था, क्या था मतलब क्यों खेला भाई इसने ये शॉट, आई डोंट नो। ओके ओहो इस बार टोटली बीट गया बॉलर ने और बिल्कुल सिट्टी गुल हो गई थी। ओके फिर से झाड़ू मार शॉट की ट्राई की थी लेकिन इस बार फिल्डर मौजूद, और फिल्डर ने मिस फील्ड भी करी है भाई साहब, क्या बात है, इतनी मिस फील्ड करेंगे तो जाओगे कहाँ भाई तुम लोग। बहुत अच्छे, ये देखो शॉट ठीक था मतलब, पर ये तो रुकना चाहिए था, मिस फील्ड थोड़ा पम्बल कर दिया भाई बंदे ने वहाँ पे। फिर से पुल करने की ट्राई की थी उस पर, फिल्डर काफी डीप में और रन लेना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती लेना पड़ा और लो भाई फाइनली पहुंच गए, बहुत बढ़िया। और फिर से पुल करने की ट्राई, मतलब जबरदस्ती पुल करने की ट्राई कर रहे हैं अब तो, हमें ऐसा लग रहा है कि जितने हो सके उतने पुल मारने की ट्राई, लेकिन ओवर थ्रो एक नहीं मिल रहा भाई, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं ओवर थ्रो मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा भाई। ओहो क्या बात है, लो यहाँ पे हमारे पार्टनर ने भी एक बहुत बढ़िया सा कट लगा के चार रन ले लिए पीछे की तरफ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट, मजेदार शानदार जानदार। और चश्मे वाले अंकल ने बताया कि ये लो भैया तुम नहीं साथ में ये भी लगा सकते बाउंड्री। ओके चलो नेक्स्ट बॉल, फिर से पुल किया है, क्या बात है, इस पूरे मैच में पुल ही करने वाला हूँ क्या ऐसा लग रहा है मुझे। लो फिर एक और बाउंड्री चढ़ दी भाई साहब हमने, क्या बात है, मतलब हमने ऐसा डिसाइड करके आया कि जो स्टार्टिंग है मैच है भाई, यहाँ कोई क्लास वास्ते कोई लेना देना नहीं, हमको कोई क्लास वास नहीं करना है यहाँ पे, मतलब क्लास दिखाना नहीं है अपना, हमने ट्राई करना है कि जितने ज्यादा रन हम बना सके ताकि आगे टीम में सिलेक्शन हो सके हमारा। ओ क्या बात है, बहुत उमदा गेंद, फुल टॉस गेंद और हवाई फायर, क्या ये गेंद भाई बच गए, मतलब एज लगा और सीधी गेंद गई बाउंड्री की तरफ, ये कतई जहर सिग्नल है, मतलब खतरे में है, खतरे की घंटी बच चुकी है तुम्हारी, मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम। फुल टॉस थी और थोड़ा सा स्विंग हुआ बॉल अंदर की तरफ और प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चलो लकी रहे। ये एक और बढ़िया शॉट, गैप में गेंद गई है लेकिन कैच छूट गया भाई साहब, कैच था ये, गैप में तो नहीं गई, सीधा फील्डर के हाथ में जा रही थी, वहां से बच गए, मुझे लगा शायद कैच पकड़ ही लेगा लेकिन पकड़ा नहीं बेचारे ने। ओके भाई बहुत कैच छोड़ रहे हैं, ये चक्कर क्या है इनका भाई, इनके हाथ में बॉल आते ना से बाउंस बैक कर जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे बेचारों को बनाया उन्होंने। और फिर से हमने एक और झाड़ू मार पुल कर दिए ट्राई, मतलब रन बनने चाहिए भाई हमारे, रन नहीं बन रहे, हम रन बनाने की ट्राई कर रहे हैं फिलहाल, बाकी शॉट्स नहीं लग रहे अभी तक हमारे। स्पिनर की वापसी और ये बढ़िया शॉट है, अब जो रन जरूर बनेंगे यहाँ से और गेंद जाएंगे सीधे चार रन के लिए, बेहतरीन शॉट और थोड़ी सी वापसी की है, मतलब थोड़े से जो गवार वाले शॉट खेल रहे थे ना उसके थोड़े से ड्राइव वाइव में आ गए हम लोगों को, लगता था ड्राइव करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ऐसे तो नहीं चलते रहने वाला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट और इसके साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो गया, 23 के नीचे स्कोर में पहुंच गया। और फिर से गैप में खेला है और बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का शॉट और एक सुंदर बाउंड्री, क्या बात है, बोलने का सब था भाई, जैसे ही बोला वैसे ही काम हो गया, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया, मतलब हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, ये पुल कर दिया भाई, क्या बात है, मतलब कहाँ से खींची गेंद, मतलब जो नए नए शॉट तुमको आजकल टीवी पे देखने को मिलते हैं ना भाई सब, वैसे शॉट लगा रहे हैं हम, बॉल पूरी ऑफ साइड में थी और हमने जबरदस्त खींच खूच के यहाँ पे पहुंचा दिया बॉल को, ये देखो पूरी ऑफ साइड में गेंद थी भाई, बढ़िया गेंदबाजी कर रहा। फिर से पुल चढ़ दिया और इस बार तो बनता भी है क्योंकि शॉट गेंद थी और ट्राई किया था लेकिन 30 yard के थोड़ा सा दूर गई गेंद और वापस फील्डर ने वहां पकड़ लिया, तो हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया कि भाई कोई बात नहीं चलने दो, 31 स्कोर कर दिया हमने यहां तक अभी, बहुत ही बढ़िया। पुल टॉस गेंद और हवाई फायर, ये गेंद जाएगी सीधे चार रन के लिए, थोड़ी और दो चार फुल टॉस दे दो भाई हमारे 50 हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट 50 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट और चार रन बटोर लिए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट बॉल और फिर से फुल टॉस गेंद और हवाई फायर, इस बार फील्डर मौजूद है और क्या बात है, कैच छोड़ दिया भाई इस बंदे ने, फिर से कितने कैच छोड़ेगा ये, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, हम ऐसा लग रहा है हम आउट होने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन भाई ये बंदों को आउट ही नहीं करना हमको, तो हम क्या करें। बहुत बढ़िया, फिर से फुल टॉस गेंद और फिर से हवाई फायर, लेकिन इस बार मुझे लगता अब नहीं छोड़ेगा यार, लो फाइनली मुझे लगा पप पकड़ लेगा बेचारा,
तो यार बहुत ही बढ़िया, मतलब स्टार्टिंग के जो मैचेस रहते हैं ना, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, कि इतना डिफिकल्ट जाता है रन करना, स्कोर करना। मुझे तो जाता है, बाकी के तो पता नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँ। लेकिन मैंने फर्स्ट मैच में आई थिंक 22 किए थे, इस मैच में आई थिंक 37 या 38 9 के आसपास हमने कुछ किया है, जितना याद है 39 स्कोर किए। तो फिर भी मैं ठीक चल रहा हूँ, मतलब दो मैचेस में जो हमने अभी तक बैटिंग करी वो इतनी बुरी नहीं थी। तो यार सिमुलेट हो जाएगा बाकी का मैच, और अब देखते हैं मेरी टीम जीती है हार गई। ओके बहुत ज़्यादा गन डाला हमने और फाइनली ये मैच हार चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले मैचेस में मिलेगा। हमारे अपनी टीम के तो हम टॉप स्कोर है भाई, लीड स्कोर है, ऐसी बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एपिसोड। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी, एपिसोड और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, तो फटाफट कमेंट करें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।